हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूती से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सिजोरियन सी, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टॉर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक किए। जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरामी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहुआ मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधु राम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वह साधु राम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नजरिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर, हुआ और गुस्साएं छात्रों ने ए, उसकी जेलवेन जेलवेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को जरूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यहाँ समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया सुरुटी हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बा, बापना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पाटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे गे, घेगडमल गे, स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक डे यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स चिरंतन ची भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सिजोरियन सी, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढा गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, 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 एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए 10 मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहुआ मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय के एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहल, अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा ग, 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 गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटर्न बाय रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और योयो यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस साधु साधुराम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गई और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, 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 एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वह साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वैन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट सुरुटी का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये टेस्ट इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और बिया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और योयो यो हनी सिंगर और मंझ म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित तो हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूती से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सिजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टॉर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढा गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक बकसने के लिए 10 मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधुराम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलिया यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना बा, लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील श्रुति से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेक आउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महँगी सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनैना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक एक, एक किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए 10 मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहुआ मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधु राम के निष्कर्षों को सुनता है और वह साधु राम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट सुरुटी का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत आहल, सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना बा, लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाती, पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद प, पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद मदर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और बिया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाय रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक डे यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और योयो यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधुराम राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में सुरुटी को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता, अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग, पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, 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 एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहुआ मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नजरिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय के एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना बा लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये टेस्ट इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और बिया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंझ म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री ने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सिजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टॉर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गई और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, एक, एक एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मेरेट अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी मंदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलिया यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया सुरुटी हसन एडवोकेट सुरुटी का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावट सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुटि बा, बापना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पाटिल पाती, का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे गे, घेगडमल गे, स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील श्रुति से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेक आउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में सुरुटी को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहाँ एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को सिजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता, अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गई और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एकत्र एक किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर, हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को जरूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट सुरुटी का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाति, पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद एम पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मदर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और बिया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाय रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और योयो यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधू राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुक्टान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टॉर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनैना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, एक, एक एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्श वादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक इस स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे श्रुति को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वह साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पा पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना बा, लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये टेस्ट इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन ची भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंझ मुसीक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी ही रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेक आउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी स, 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 सी, सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग् दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढा गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक किए एक, एक, जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए 10 मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहुआ मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधु राम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय के एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाएं और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंदौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यहाँ समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुटि बा, बापना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पाटिल पाती, का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद मदर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे गे, घे गे, घेगढ़मल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को सिजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मिरित, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गई और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, एक, एक एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मेरेट अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी मंदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधु राम के निष्कर्षों को सुनता है और वह साधु राम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नजरिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय के एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को जरूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी ये समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन ट तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहलावत आहल सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये टेस्ट इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंझ म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज़ डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि यह मूवी हिट साबित हुई यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्दी रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु राम को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुटि प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और सुरुटी सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में सुरुटी को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को सिजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्य मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पता अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनेना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एकत्र एक, एक, एक किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक बकसने के लिए दस मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मेरेट अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधुराम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वह साधुराम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को ज़रूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है, समाप है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट श्रुति का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहल, अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिटा व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बपना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाति, पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और विया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाई रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और यो, यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम गब्बर इज बैक मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम गब्बर इज बैक मूवी का स्टोरी बताते हैं पुलिस को सूचना मिली कि पूरे महाराष्ट्र में दस तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है हालांकि वे जल्द ही रहस्यमय तरीके से वापस नहीं आते सिवाय सबसे भ्रष्ट अधिकारी के जिसे फांसी दे दी जाती है पुलिस को मिस्ट्री मैंने गब्बर की एक सीडी मिलती है जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारियों का निशाना बनाना है पुलिस ड्राइवर साधु को यकीन है कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है कि गब्बर कौन है भले ही उसके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के सामने उसे अपमानित और अपमानित करते हो नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत ने कुछ गुंडों को पिटाई की जिसे जो कॉलेज के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वह छात्रों को अपना भौतिक व्याख्यान दिखा रहे थे एक रात घर जाते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील सूटी से होती है जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है लेकिन महिला का पानी टूट जाता है और श्रुति प्रसव प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने का दावा करते हुए आदित्य को बाहर भेज देती है डिलीवरी सफल होने के बाद वे अस्पताल जाते हैं लेकिन इससे पहले कि श्रुति आदित्य के को धन्यवाद दे सके उसे पता चला कि वह चला गया है कुछ दिनों बाद वह एक लड़ाई के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं इस बीच साधु राम को पता चला कि राज्य भर के में प्रत्येक विभाग एक ईमानदार अधिकारी है और उसे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक ईमानदार अधिकारी का गब्बर का गब्बर से संबंध है एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आदित्य और श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेक आउट कर रहे थे तभी एक छोटी सी दुर्घटना में श्रुति को चोट लग जाती है और आदित्य उसे पा पाटिल अस्पताल में ले जाता है जहां एक महिला डॉक्टर न्यूट न्यूनतम चोट के बावजूद कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है आदित्य ने एक डॉक्टर को महंगी स, 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 सी, सीजोरियन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देते हुए सुना और जल्द ही अस्पताल में कर्मचारियों की ग, गंदी चालों से आश्वस्त हो गया जब उसने देखा कि एक पिता पिता अपनी बे पिता बेटी की जोड़ी को महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मरे, मात्र मातृ मृत पति की मरीज के रूप में जांच करता है उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का बहाना करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है हालांकि आदित्य उन्हें जानबूझकर एक मृत व्यक्ति को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु मिरित, प्रमाण पत्र दिखाता है अस्पताल अस्पताल के युवा मालिक विकास पाटिल उस समय क्रोधित हो जाते हैं जब आदित्य उनके साथ सौदा करने के बावजूद अस्पताल के भ्रष्टाचार का वीडियो मीडिया में जारी करता है क्रोधित जनता द्वारा विकास की हत्या कर दी जाती है और उसके उसके पिता दिग्विजय दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी एक फुटेज में आदित्य को देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे उन्होंने पाँच साल पहले कथित टोर पर मार डाला था एक फ्लैशबैक में जल्द ही पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनैना की मृत्यु हो गई जब उनकी कॉलोनी को, में इमारतें ढह गईं और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए आदित्य ने बिल, बिल्डर दिग्विजय के ख़िलाफ़ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एक, एक, एक एकत्र किए जिसने सभी को रिश्वत दी और रुपये रुपये की पेशकश करके आदित्य को भी रिश्वत देने की कोशिश की मामले को बक, बकसने के लिए 10 मिलियन की मांग की लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से झगड़ा करके और लगभग दिग्विजय की हत्या करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जब आदित्य ने माफ़ी मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया लेकिन दिग्विजय ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर कुल्हारी से वार किया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया हालांकि मेडिकल छात्रों से भरी एक बस को हाईवे पर बेहोश आदित्य मिला और उसकी जान बच गई फिर उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज में आदर्शवादी युवा ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया इस बीच साधु राम को पता चला कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे सुरूटी को पता चलता है कि आदित्य असली गब्बर है और वह हैरान हो जाती है लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की कमान संभालते हैं और तथ्यों से भ्रमित हो जाते हैं वह साधु राम के निष्का निष्कर्षों को सुनता है और वे साधु राम द्वारा सूची सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है श्रुति ने कुलदीप से कहा कि क्योंकि कानून काम नहीं करता है इसलिए गब्बर जैसा गुंडा आम नागरिकों के लिए हीरो बन गया है साधु राम ने गब्बर के बारे में अपना नज़रिया बदल लिया अपनी दोषपूर्ण भवन योजनाओं को पारित कराने के लिए दूसरों का भयभीत करने के लिए दिग्विजय एक ईमानदार अधिकारी की हत्या कर देता है गब्बर ने अपनी इस हरकत के लिए दिग्विजय दिग्विजय पर निशाना साधा है दिग्विजय ने अपने लिए जन्मदिन की पार्टी रखी और जैसे ही वह केक काटता है उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है आदित्य और उसके गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया जैसे ही पुलिस व्यर्थ में दिग्विजय की तलाश में शहर की तलाशी लेती है दोनों के बीच हुई लड़ाई में आदित्य ने दिग्विजय को मार डाला जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उसे मौत की सजा दी गई जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और गुस्साए छात्रों ने उसकी जेल वेन जेल वेन को रोक दिया कुलदीप ने उनसे छात्रों से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने गुस्से को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाए और वह बदलाव लाए जिसकी समाज को जरूरत है अंत में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होते समय आदित्य टिप्पणी करता है कि वह मर जाएगा लेकिन आंदोलन अंडौला, आंदोलन जीवित रहेगा तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार प्रोफेसर आदित्य सिंह राजपूत आलियास यानी कि गब्बर का रोल में नजर आया श्रुति हसन एडवोकेट सुरुटी का रोल में नजर आई करीना कपूर खान सुनैना सिंह राजपूत का रोल में नजर आया सुमन तलवार दिग्विजय पाटिल का रोल में नजर आया गौरव कौशल गौरव का रोल में नजर आया सुनील ग्रोवर कॉन्स्टेबल साधु राम का रोल में नजर आया जयदीप अहल, अहलावत सीबीआई ऑफिसर कुलदीप पाहवा का रोल में नजर आया इशिता व्यास वीना का रोल में नजर आई राजा सिंह अरोरा गोविंदा गौरे का रोल में नजर आया श्रुति बा, बापना लक्ष्मी का रोल में नजर आई रवि प्रकाश रवि का रोल में नजर आया मनोज चंदीला विकास पटी पाटिल का रोल में नजर आया विकास श्रीवास्तव इंस्पेक्टर विकास का रोल में नजर आया सानवी तलवार रिपोर्टर का रोल में नजर आया फरीद अहमद पर परवेश का रोल में नजर आया अनुराधा चंदन गोविंद से मर्डर का रोल में नजर आया सिद्धांत घे घे घेगाडमल स्टूडेंट का रोल में नजर आया तो ये थे इस मूवी का स्टार कास्ट। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं इस मूवी का डायरेक्ट किया है क्रिस जगरला मुरी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है संजय लीला वंसाली और बिया कॉम एटीन मोशन पिक्चर ने और साथ में आपको बता दें कि इस मूवी को लिखा यानी कि रिटर्न बाय रजत अरोरा ने और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने दिया है और ये इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय राजेश जी पांडे ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स चिरंतन भट्ट और योयो यो हनी सिंगर और मंज म्यूजिक ने दिया है और इस मूवी का रिलीज डेट एक मई टू थाउजेंड फिफ्टीन है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट सेवेंटी नाइन करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग का बात करें तो फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू है और फाइव स्टार में से फोर पॉइंट सिक्स स्टार बहुत अच्छा रेटिंग होता है यानी कि ये मूवी बहुत पसंद किया जा रहा है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट सेवेंटी करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट एट्टी वन करोड़ की कमाई की तो ये मूवी हिट साबित हुई और यानी कि ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि यह मूवी बहुत पसंद किया गया है और ये मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें